सो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि आप लोग अगर फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट अगर आप परचेस करते हो, जैसे कि दोस्तों हमने यहां पर 2980 रुपये का ये प्रोडक्ट परचेस किया हुआ है, और ये प्रोडक्ट दोस्तों हम जब रिटर्न करते हैं तो दोस्तों ये वापस से हमें फिर से भेज दिया जाता है। ठीक है, आप सभी का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था। हालांकि मैंने आज से करीब 6 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी को बताया था कि आप फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट को किस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं, किस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं। तो आप सभी का मिनिमम लोगों का हमारे पास कमेंट आया कि भाई हम रिटर्न करते हैं तो हमारा जो पेमेंट है पेमेंट हमें नहीं मिलता है, और जो प्रोडक्ट है वापस हमें फिर से भेज दिया जाता है, और एक बार दो बार भेज दिया जाता है, उसके बाद हमारा वो प्रोडक्ट रिटर्न भी नहीं जाता है और हमारा पैसा मिलता नहीं है, और जो हमारा प्रॉब्लम रहता है वो हमारा रह जाता है, यानी कि सॉल्व नहीं होता है। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आखिर आप लोग किस तरीके से दोस्तों आप लोग इस प्रॉब्लम से दोस्तों आप लोग निकलोगे, और किस तरीके से आखिर आपको अपना पेमेंट वापस मिलेगा, किस तरीके से दोस्तों आप लोग ये प्रोडक्ट जो है रिटर्न करके आप पैसा अपना वापस पा सकते हैं, और किस तरीके से दोस्तों आपको बैंक अकाउंट जोड़ना है, किस तरीके से आपका पैसा रिटर्न आएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर कुछ स्टेप्स को ध्यान देना है, और मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि अगर आप इस स्टेप को ध्यान देते दोस्तों तो आपका जो पेमेंट है आपको आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में दोस्तों इंस्टेंट के इंस्टेंट आपको मिलेगा, और आपका प्रोडक्ट भी दोस्तों आपको दोबारा नहीं मिलेगा, और आपका जो सामान है वापस हो जाएगा 100% बिल्कुल आपको बिल्कुल आसानी से। तो चलिए मैं सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में दिखा देता हूं दोस्तों। तो वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल को हमारे लाल वाले बटन को दबा के कर देना सब्सक्राइब, जिससे हमारा नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको डिटेल में दिखाते हैं कि किस तरीके से आखिर हम लोग इसको यहाँ पर कैंसिल करेंगे और किस तरीके से आखिर हम लोग सारा काम यहाँ पर कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं कट कर लेता हूँ, और यहाँ पर दोस्तों कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। देन ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देने को मिलेगा दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर आपको अकाउंट्स का, आपको अकाउंट्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे अकाउंट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, ध्यान से देखिएगा तभी जा करके आप कर पाइएगा, नहीं तो आप लोग दोस्तों ढूंढते रह जाओगे, फिर मुझे मत कहना कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर से करना दोस्तों, और मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ, उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जरूर उसे ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, देख सकते हैं माई ऑर्डर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सारा चीज़ दिखा रहा हूँ, लाइव आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर आपको माई ऑर्डर वाले ऑप्शंस पे आपको मिलेगा भी ऑल डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आपका जो ऑर्डर है आपको दिख जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट आप रिटर्न करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी प्रोडक्ट, हमने यहाँ पर दोस्तों एक बार मैंने देख सकते हैं एक बार यहाँ पर मैंने इसे लिया था दोस्तों, उसके बाद दोबारा से मुझे फिर से भेज दिया गया, जो मैं अभी आपको इसे रिटर्न करके दिखाने वाला हूँ। तो इसी प्रोडक्ट पर मैं क्लिक करूँगा, इसी को मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, जो भी प्रोडक्ट होगा उसी को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पर रिटर्न, आपको रिटर्न वाले ऑप्शन पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको एक रीजन को चूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 रीजन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर हम दोस्तों क्या करने वाले हैं, दिस इज प्रोडक्ट रिसीव इज, आपके यहाँ पर क्वालिटी, मुझे यहाँ पर मुझे क्वालिटी कुछ इसका अच्छा नहीं लगा, तो हम क्वालिटी वाले ऑप्शन पे हम टाइप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्वालिटी वाले ऑप्शन पे हम आ गया दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों आने के बाद यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देख सकते हैं आपको हम यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन को रीजन को टाइप करेंगे, एंड यहाँ पर दोस्तों आपको एक कमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक कमेंट सेक्शन में आपको क्या लिखना है, इसका एक रीजन लिखना है, और रीजन में क्या क्या आपको टाइप करना है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हम यहाँ पर क्या लिखें जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये मेरा जो है दोस्तों, हालांकि यहाँ पर मुझे मैंने इसे नेटवर्क के लिए इस्तेमाल करने के लिए मैंने मंगाया था, हॉट सपोर्ट जैसा है, नेट इसे चलता है। तो ये प्रॉब्लम मुझे दोस्तों नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि नेटवर्क जो इसका है बहुत ही मतलब बेकार है, अच्छी तरीके से वर्क नहीं करता है, और जो हमारा नेट कनेक्शन है वो अच्छा से हमें नहीं मिलता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम यहाँ पर टाइप करेंगे दोस्तों नेटवर्क नोट, यानी कि दोस्तों नेटवर्क नोट इशू, यानी कि हमारा जो यहाँ पर है जो नेटवर्क है हमारे यहाँ पर अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, और हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम लिखेंगे और नेट स्पीड प्रॉब्लम लिखेंगे, और यहाँ पर हम आगे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद जस्ट यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं फटाफट से, आपको भी टाइप कर देना है। फाइनली दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने दोस्तों यहाँ पर लिख दिया नेटवर्क प्रॉब्लम नेट इशू। अब यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, कंटिन्यू में जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका इस तरीके का डिटेल आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में देख सकते हैं, अब यहाँ पर रिफंड का ऑप्शन समय मिल चुका है।
अब यहाँ पर दोस्तों रिफंड का ऑप्शन मिल चुका है, तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन आपसे हम पूछा जा रहा है दोस्तों, देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर कि यहाँ पर दोस्तों आप इस प्रोडक्ट को बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं या गिफ्ट कार्ड में लेना चाहते हैं। आपके सामने दो ऑप्शंस मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको एक बैंक डिटेल का ऑप्शंस मिल रहा है तो आपको बैंक वाला ऑप्शंस पे टिक लगा देना है, ध्यान देना है सारा चीज मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शंस देखने को मिल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऐड न्यू बैंक, आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। आप जैसे ऐड न्यू बैंक में क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना देख सकते हैं आईएफएससी कोड डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, दोबारा से अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट होल्डर नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, एंड यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है ऐड अकाउंट में क्लिक करना है। ठीक है, सारा चीज़ अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ गया होगा। चलिए जैसे दोस्तों सारा चीज़ आप यहाँ पर अच्छे तरीके से फिलअप कर देते हैं, फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कन्फर्म का एक ऑप्शन आपको बोलेगा, तो आपको यहाँ पर कन्फर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कभी कभी एक क्या होता है दोस्तों, प्रॉब्लम होता है, प्लीज़ ट्राई अगेन, तो आपको इस आपको देख लेना है। तो यहाँ पर उसके बाद दोस्तों आपके सामने आपका इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सबमिट रिक्वेस्ट में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने जो ये रिक्वेस्ट है आपका ले लिया जाएगा, और आपका जो पैसा है दोस्तों आपको 24 से 48 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।